नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हाई वोलेटाइल स्टॉक का डिस्कशन करना चाहूंगा। इन डेप्थ मैं आपको स्टॉक समझा कर चलूंगा, इस स्टॉक की पूरी स्टोरी आपको बता कर चलूंगा और इसके साथ जो न्यूज जुड़ी है उस न्यूज को भी पूरा एनालाइज करके आपको बताऊंगा, जिससे कि आप लोग समझ पाओगे कि डेल्टा कॉर्प न्यूज की वजह से क्यों गिरा, क्या डेल्टा कॉर्प के अंदर वापस से एक तेजी आने की संभावना है, क्या डेल्टा कॉर्प के अंदर निवेशकों को बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। जैसा कि इस समय पर आपको सभी जगह से सलाह सुनने को मिल रही है कि डेल्टा कॉर्प से हमें भी निकल जाना चाहिए। और दोस्तों, मतलब किसी जगह पर अगर आप फंडामेंटल्स को अगर आप चेक करके चलोगे तो कुछ जगह पर आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको निकल जाना चाहिए, और कुछ पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर करके चलोगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी। बट फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ही रिस्की स्टॉक है, अपने वॉच लिस्ट में लगा कर रखिएगा, क्योंकि इस स्टॉक को खरीदना मतलब इसके साथ दिन रात जागने के जैसा स्टॉक है। तो चलिए, अब मैं आपको स्टॉक के बारे में समझा के चलता हूँ। देखिए, मैंने मतलब पूरे इसके ऊपर रिसर्च किया है और इसको मैंने इस स्टॉक की पूरी एक रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने इसमें तैयार की, जिसे आप मेरी वेबसाइट से जाकर देख सकते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जो स्टॉक है, अलग अलग टाइम पर हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को कभी सजेस्ट किया होता है तो उस समय पर हम भी बड़े एक्टिव रहते हैं कि हमने इस स्टॉक को सजेस्ट कर रखा है। इस स्टॉक के अंदर अगर तेजी आती है तो हम इससे प्रॉफिट बुक करें और बाहर निकल जाएं, और स्टॉक के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर भी स्टॉप लॉस लें और बाहर निकल जाएं। तो मतलब हम भी इस स्टॉक के अंदर, जो कि मेरा व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म का होता है, हम भी इन स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस को या टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस ले लो, और अगर टारगेट मिला तो टारगेट ले लो। तो अगर आप इस समय पर इसको देखकर चलेंगे डेल्टा कॉर्प्स को, तो मैं आपसे इसके फंडामेंटल्स को शेयर करने से पहले तीन बातें आपको बताना चाहूंगा। डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड ये तीन बातें आप बस जान लो, अगर ये तीन बातें आपकी समझ में आ गई तो बेशक आप इससे आगे की वीडियो को अगर आप नहीं भी देख पाए या खाली फुर्सत में भी देख पाए तो आप इस स्टॉक के दीवाने हो जाओगे। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, या देखो, इस स्टॉक के अंदर प्रोफेशनल्स का कोई ना कोई तो इंटरेस्ट रहता है। अगर प्रोफेशनल्स का इस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं होगा तो किसके पास में इतना फालतू का पैसा है कि वो इसके मतलब न्यूज इसकी इसी की न्यूज चलती रहेंगी, और मतलब न्यूज चैनल भी इसी पर फोकस कर रहे होंगे और ये स्टॉक हमेशा न्यूज के अंदर रहेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं तो आता, तो आप भी मानते होंगे कि इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मतलब प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के अंदर है, क्योंकि ये स्टॉक एक हाईली न्यूज बेस्ड स्टॉक है और इतने बड़े बड़े मोमेंटम यार बिना किसी के सचमुच की बाइंग या बिना सचमुच की सेलिंग के तो बन नहीं सकते। तो सबसे पहला फैक्टर इंपॉर्टेंट ये कि ये स्टॉक एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है, और इस स्टॉक के अंदर दूसरी बात ये निकल कर आती है कि इस स्टॉक के अंदर बड़े मोमेंटम आते हैं, बड़े स्विंग्स आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो निवेशकों का पैसा है वो निवेशक आम निवेशक नहीं है, बड़े निवेशक है। मैंने आपको पूरा मतलब पूरा इसको मैंने अच्छे से एनालाइज किया है, और एनालाइज करके ही मैंने इसको आप लोगों के साथ में सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करके चल रहा हूँ। देखिए, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि यार जो नोटिस है ना, वो जीएसटी का नोटिस है। अब जीएसटी के जब भी कभी आपके उसमें गवर्नमेंट के विभाग से कोई नोटिस आता है ना, तो आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। मतलब उसके पीछे सचमुच में सर्टेन फैक्टर्स और सर्टेन फैक्ट्स होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आप उन फैक्ट्स को आपको आंसर नहीं कर सकते, या उन फैक्ट्स की कोई रेमेडी नहीं है, या फिर आपके पास में ऐसे उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है। तो मतलब मार्केट के अंदर हमारे पास ये सब कुछ चीजें देखने का और सीखने का बहुत ही बढ़िया मौका हमारे पास में, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें आगे भी देखने को मिल सकती है। अब देखिए, सबसे पहले इस नोटिस के अंदर जो बात इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। तो देखिए, नोटिस जो हमारे पास में आया है वो तकरीबन आपके पास में एक बड़े टाइम फ्रेम का हमारे को नोटिस देखने को मिलता है, जो आपके अंदर तकरीबन 2017 से 2022 मतलब 5 साल के पूरे ग्रॉस कलेक्शन के ऊपर को एनालाइज करते हुए इस नोटिस को जनरेट किया गया है। अब इसके ऊपर ना कंपनी का ये कहना है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप टोटल बैट रेवेन्यू को देखकर चलेंगे, मतलब जिस जिस रेवेन्यू के ऊपर बैट की गई है, मतलब जिस प्राइस के ऊपर बैटिंग की गई है, वो रेवेन्यू तो आप देख के चलो, वो तो आप देख के चलो, लेकिन जो भी हमने क्लाइंट से पैसा रिसीव किया वो हमारा रेवेन्यू है। मतलब हमने क्लाइंट से कोई पैसा चार्ज किया तो हमारा रेवेन्यू, तो जो पैसा हम क्लाइंट से चार्ज करेंगे हम उसी के ऊपर तो जीएसटी पे करके चलेंगे। क्लाइंट जिस रकम के लिए बैट कर रहा है, आप इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझिए। अगर आप निफ्टी के ऊपर बैट करके चल रहे हो कि निफ्टी आने वाले वक्त में कभी 25,000 हो सकता है, तो 25,000 तो निफ्टी की वैल्यू नहीं है ना। आप अगर उसके अंदर एक जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तब जब वो 17,800 पर या 17,600 पर है, तो जो ट्रांजेक्शन आप 17,600 पर कर रहे हो वो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू के ऊपर एक जीएसटी पेबल है, तो वो जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो 17,600 के ऊपर अगर हमें कोई जीएसटी पे करना पड़ रहा है तो ये ऑब्वियसली बात है कि जीएसटी इसके ऊपर चार्ज होगा। पर 25,000 ये हो जाएगा एक एक्सपेक्टेड प्राइस के ऊपर, अगर कोई एक रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाएगा तो मेरे ख्याल से वो चीज थोड़ी सी गलत हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर कंपनी का ये मानना है कि उनके पास में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं
इस नोटिस को आंसर करने के, वो इसके नोटिस को आंसर करेंगे। और यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, मतलब कि दो वैल्यूज के बीच में जो प्रॉब्लम है, ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का कंपनी स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता कि यार अगर कोई गैम्बलिंग करके चल रहा है तो वो किसी एक चीज के ऊपर गैम्बलिंग करके चल रहा है। अब आप इसको, आपने कई बार नोटिस भी करा होगा कि आप, आपका जो पोर्टफोलियो निकल कर आता है, मैं, आप समझिएगा कि जब कभी आप निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर अगर फ्यूचर्स की पोजीशन के अंदर कोई पोजीशन है, हेज पोजीशंस क्रिएट करके अगर आप कुछ ट्रेड करके चल रहे हैं, तो उनकी जो एक्चुअल वैल्यू निकल कर आती है, मतलब एक्चुअल ट्रांजेक्शन निकल कर आती है, वो करोड़ों में निकल कर आती है। अब कुछ करोड़ों रुपए के ऊपर अगर आप टैक्स जनरेट देने लग गए, तो करोड़ों रुपए के ऊपर टैक्स आपका कितना बड़ा टैक्स बन जाएगा, जबकि आप उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करके चलते हो वो हजारों में होती है। तो आप जो टैक्स पे करते हो, वो जो हजारों में आपने ट्रांजेक्शन किए उसके ऊपर पे करते हो, या वो जो करोड़ों रुपए का जो एक फ्यूचर ट्रेड हो गया है उसके ऊपर आप जाकर, मतलब, ट्रांजेक्शन पे करते हो। तो मतलब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आता है कि एग्जैक्टली टैक्स आपका किस चीज के ऊपर कैलकुलेट किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, बात समझ में आई आपको? अब देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि इस कंपनी को हमें, ये तो मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए, मतलब कि क्यों नहीं वाले रीजंस क्या हैं, अब क्यों हाँ वाले क्या रीजंस है, जरा मैं आपको बताता हूँ। जो हाँ वाले रीजंस है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ वाले रीजंस को देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो मेरे को ये समझना जरूरी है कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। तो यार, ये कंपनी गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी के अंदर ही कंपनी है। इस कंपनी को कैसिनोज के लिए, आप देखिएगा, कैसिनोज के लिए और ऑनलाइन गेमिंग के लिए इस इंडस्ट्रीज में इसको जाना जाता है, एक पायनियर की तरह जाना जाता है। अब आपके पास में ये ऑनलाइन गेमिंग जैसे इसका अड्डा 52 के नाम से चलता है। इसके अलावा ये जो कंपनी है, इसका जो एक्सपोजर है वो रियल इस्टेट्स के अंदर भी है। और अगर आप मार्केट परफॉर्मेंस को देख के चलोगे तो इस समय पर इस कंपनी ने एक सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब काफी नीचे लेवल से दिखाई दी है, और इसके जो एक्सपेंशन प्लान है उसके अंदर ये रोबस्ट तरीके से अपने आप को एक्सपेंड भी कर रही है, और ना केवल एक्सपेंड कर रही है बल्कि इसके अंदर ये बनी हुई है। कंपनी का रेवेन्यू, अब देखिए, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप इसके देख के चलेंगे, 2021 में इसका जो रेवेन्यू 418 करोड़ था, और आपके पास में 418 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया, आपके पास में 2023 में 1020 करोड़ हो गया। फिर चार दो ही साल के अंदर 418 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 2023 में जाएंगे तो जाकर आपके इसमें 1020 करोड़ हो गया है, जबकि 2022 में इसका रेवेन्यू 616 करोड़ था। तो मतलब ये जो रेवेन्यू बेस्ड कंपनी है, मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, वो तो रेवेन्यू कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो भी आपके पास में 331 करोड़ से बढ़कर 701 करोड़ हो चुके हैं। तो कंपनी के रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, कंपनी के फिक्स एसेट भी बढ़ रहे हैं, और कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो कहने के, कंपनी के अगर आप एक फाइनेंशियल मॉडल को समझ के चलोगे तो यार वो स्टेबल है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, 13.9 है। अर्निंग पर शेयर कितनी है, 10.2, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए बंदे को देने चल रहे हैं। करंटली ये स्टॉक हमारे को 142 के पास में मिल रहा है। 52 वीक की इसकी रेंज अगर आप देखोगे तो 135 से 260 के बीच में रही है। तो मतलब अपने 52 वीक के लो के पास में ये स्टॉक इस समय पर हमारे पास में अवेलेबल है, और इसका जो हाई मार के आई है 260 का हाई भी पीछे लगा कर आया। प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है इस स्टॉक को अगर आप देख के चलोगे तो उसने अपनी होल्डिंग को घटाया नहीं, जबकि एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर दिया है। डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर इंक्रीज कर दिया, और ये जो माल खींचा जा रहा है, मतलब हर ग्राउंड पे जो माल खरीदा गया है वो पब्लिक से खरीदा गया है, जिसमें पब्लिक की होल्डिंग इस समय पर 42% की है। तो इन सारे फैक्टर्स को जब मैं एनालाइज करूँ तो मुझे यार एक बात समझ में आती है कि मार्केट में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो है, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर अपॉर्चुनिटी तो है। और मैं आपको फिर ये कहूंगा कि मेरी इसके अंदर कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अब अगर मैं इसके टेक्निकल एनालिसिस को देख के चलता हूँ तो टेक्निकल एनालिसिस इसके अंदर आपके पास देखने लायक कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि स्टॉक इस समय पर नीचे की तरफ गिरा पड़ा है। और इम्पोर्टेंट बात इसमें निकल कर आती है कि जब ये इस प्राइस पर अवेलेबल था तब उसके बाद में इस प्राइस पर हुआ क्या था। तो अगर आप इसके एक्शन को देख के चलोगे तो ये वो प्राइस है जहां से ये कई बार नीचे से रिवर्सल ले चुका है, और यहां पर भी 2 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसी स्टॉक में, इसी प्राइस के पास में बड़े वॉल्यूम्स है जो आज के दिन में हमने बनते देखे हैं। और ये एक डोजी कैंडल लो के पास में फॉर्म होती है, जिसमें अगर ये इस डोजी कैंडल के ऊपर खुला तो ये डोजी कैंडल ही उन बायर्स का स्टॉप लॉस होगी। और मैंने आपसे फिर ये कहा कि हम बाकायदा इस स्टॉक के अंदर जब भी कभी एंट्री लेते हैं तो हम हमेशा स्टॉप लॉसेस को फॉलो करके चलते हैं, क्योंकि बहुत ही वाइल्ड स्टॉक है, नीचे कितना भी जा सकता है और ऊपर भी कितना जा सकता है। मतलब ये स्टॉक बहुत बड़े स्विंग्स में चलता है, क्योंकि ये सचमुच में देखा जाए तो बैटिंग वाला स्टॉक है।
तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं इस स्टॉक को रिलेटेड। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके जो भी इस स्टॉक रिलेटेड व्यूज हैं आप जरूर शेयर करके जाएं, और इस तरीके की वीडियोस में आप अगला स्टॉक कौन सा चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइए। मैं अच्छे स्टॉक जिनको मैं स्टडी कर रहा हूँ, अगर आपका जो कमेंट में स्टॉक है और वो कहना कि मेरी वर्सेस में स्टॉक होगा और मैंने क्लाइंट्स को नहीं रिकमेंड किया हुआ होगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना के लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। द सिक्योरिटीज कोटेड आर फॉर इलस्ट्रेशन ओनली एंड आर नॉट रिकमेंडेटरी। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BASL इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडियरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। ऑल डिस्क्लेमर्स कैन बी रीड ऑन गौरव सर डॉट इन। आप सभी डिस्क्लेमर्स को गौरव सर डॉट इन वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।